Thank you very much. Thank you very much, all of you. तो ये बताइए, आपने कभी जीवन में ऐसी रिवॉल्व करी थी? नहीं सर। आज कितनी बार करी? 6 से 7 बार की। क्यों करी ऐसी? ऐसा क्या दे दिया आपको? ऐसा टेक्निक दिया है कि आसान लगा तो कर लिया। अच्छा, और कंपोनेंट? कंपोनेंट के सर बहुत ही अच्छा सा नॉलेज मिला, जो हम मालूम ही नहीं था वो आज बहुत अच्छे से समझ में आया। और ट्रेसिंग भी किया हमने। ट्रेसिंग भी किया, प्रैक्टिकल करा आपने? हाँ प्रैक्टिकल। मैं बोलूँ कि थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो तो? हाँ सर, 5 मिनट के अंदर ढूंढ के दिया। कोई सा भी पीसीबी हो? कोई पीसीबी। नहीं चलता तो बल को इस एम्पियर को बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। समझ रहे हो? यस सर। तो हम इस एम्पियर को बढ़ाएंगे और हम इसको बढ़ाते हैं। नोटिस करो, ये एम्पियर बढ़ा रहे हैं, देखो बल चल गया। यस सर। और बढ़ा और बल चल गया वापस। तो ध्यान दो, यहां तक बल बहुत अच्छा से जल रहा है, मतलब वो इतने एम्पियर में बल अपना चल चल रहा है। बोला मुझे इतना करंट दो मैं बढ़िया चलूंगा, लिप लिप भी नहीं करूंगा। जी सर। पर अगर ज्यादा करंट दोगे तो मैं फट जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा बताइए? फट जाऊंगा। ध्यान दो, अब 40 और 43 मिली एम्पियर दे दिए तो बल्ब फट गया। जी सर। इसका मतलब है अतिरिक्त करंट। बोलो, एम्पियर की बात हो रही है यहाँ पर? यस सर। समझ रहे हो? यस सर। ये मैं वहां कभी नहीं समझा सकता जो मैं यहाँ बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। जी सर। कि एक्चुअल में आपके बोर्ड में ये क्या काम कर रहा है? जी सर। हम बात समझना, पर ये अब अतिरिक्त करंट हमारी आईसी से आ रहा है। किससे आ रहा है? आईसी। तो हम आईसी से करंट को कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आईसी तो हम बदल नहीं सकते ना। yes, हमें तो इतने ही एम्पियर में ये बल्ब चलाना है, बात खत्म। yes, और वही बल्ब चलाना है। yes, हम बल्ब भी नहीं बदल सकते। क्या कहते हैं बोलो? ओबीपी। तो ये है ओबीपी, मतलब ओवर वोल्टेज कंडेंसर। और ये कब होता है? जब रजिस्टर कैसा लगा हो बोलो? सीरीज में आईसी टू आईसी लगाओ। समझ में आ रहा है मेरी बात? उठे खींचो। एक फोटो खींचो, एक छोटा सा वीडियो ले लो। लो देखो, नाम लो, चालू करो। यस सर। ठीक है, रजिस्टर नहीं, कुछ भी नहीं है सर्किट में। 4 वोल्ट दे रहा हूं, बल्ब 2 वोल्ट पर जल नहीं रहा है। अभी क्या करेंगे? तो सीरीज में रजिस्टेंस। अभी एक रजिस्टर लगाएंगे, एक लाइन को उठाया, रजिस्टर लिया, रजिस्टर लेने के बाद उसको घुमाया और घुमाकर यहां रखा, एक लाइन इसके साथ जोड़ी, एक लाइन इसके साथ जोड़ी। अब वापस प्ले करेंगे। और ध्यान रखना, इस सर्किट का नाम है एवरी सर्किट। आप इसको गूगल में सर्च करो एवरी सर्किट के नाम से, एक साइन इन करो कोई भी ईमेल आईडी से, ये आपको मिल जाएगा फ्री फॉरगेट में, जिससे आप ये कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये इसके टूल्स है नीचे, ठीक है? तो ये इसको अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर की वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ पर देखो एक पाना जैसा दिखाई दे रहा है, ये पाना एडजस्टमेंट है जिससे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने चेंज किया, अब इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो हम इसकी वैल्यू जितनी कम पे जाए, जैसे 100 ओम, तो वो कह रहा है कि अगर मैं 100 ओम का रजिस्टर लगा दोगे तो मैं इतना वोल्टेज को रोक लूंगा और आपका बल्ब जला दूंगा। तो इस तरह से ये ओवीपी, मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, जहां अतिरिक्त वोल्टेज को रोक रहा है, जितना वोल्टेज चाहिए उतना दे रहा है। ठीक है भैया, किस किस को समझ में आया सीरीज पैलर? पक्का सीरीज में काम क्या कर रहा है? जल्दी बताओ। ज्यादा वोल्टेज से रोक रहा है। yes, और इसमें क्या कर रहा है बताओ? इधर देखिए, अब सीरीज पैलर फिर से दिखा रहा, सब लोग ध्यान दो। अब मुझे बताना कि सीरीज है कि पैलर है? समझ रहे हो मेरी बात? सीरीज है कि पैलर है? पहले इस बोर्ड में हम चेक करेंगे। तो सर पहले हम है ना इन 3 रजिस्टर को चेक करें, इन 2 रजिस्टर को चेक करते हैं।
और ये चेक करते हैं कि ये दो रजिस्टर क्या दिखा दे रहे हैं, सीरीज है, क्योंकि हमें स्कीमेटिक में भी ढूंढना आना चाहिए। तो हम बजट मोड पर रखेंगे फिलहाल। कौन से मोड पर? डायोड मोड पर नहीं, अभी डायोड मोड पर हम रखेंगे आगे, पर अभी हम बजट मोड पर रखेंगे। हमें सुननी केवल बीप है, क्या बताइए? बीप। देखो पहले मैं वहां बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। कहने का मतलब ये है कि अगर इधर भी कोई बीप नहीं, इधर भी कोई बीप नहीं, तो वो कौन से मोड में? बोलो। और इधर कोई नहीं हो पर इधर क्या बज रहा है, तो कौन सा मोड में? पैरेलल। तो वो पैरेलल है, मतलब वो अतिरिक्त करंट से बचा रहा है। किससे बचा रहा है? मतलब करंट का काम कर रहा है। अगर सीरीज में तो वोल्टेज पे काम कर रहा है। समझ में आया? थर्ड इज करो। चलो देखो, समझ में आया ये चीज? यस सर। चलो बताओ पहली पोजीशन बताओ। तो सर मैं इसको जंपर और रजिस्टर नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा हेडिंग डालूंगा मिसिंग। तो मैं डालूंगा मिसिंग कंपोनेंट मिसिंग, ये डाल दूं हेडिंग? यस सर। हाँ, ये हेडिंग सबसे अच्छी है। क्या डालूं बताओ? कंपोनेंट मिसिंग सोल्यूशन। तो ये हेडिंग डालूंगा। ना ये सबको लिखना है अच्छे से। अब देखिए सबसे पहला क्या, किस पे में? सीरीज। दूसरे नंबर पे क्या कर ले, क्या करना है? अगर एक और क्या आ गया तो किस में? सीरीज। क्या लगा है? बाकी टाइम पास में जंपर भी मार सकते हैं। तो अगर एक और क्या आ रहा है, जंपर लगेगा क्या? अगर दोनों और क्या आ रहा है, किसके साथ? और ये किसके साथ? अब दादा इसको ढूंढने के लिए आप कौन से बोर्ड में ढूंढ सकते हैं बताओ? कॉलकॉम के बोर्ड में। कॉलकॉम के बोर्ड में 2K का रजिस्टर सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, सीपीयू के पास ही मिल जाएगा बहुत सारे। अगर दोनों ओर क्या आ रहा है? शॉर्ट। दोनों ओर क्या आ रहा है? क्या कहते हैं? तो मुन कंपोनेंट को हटाते जाओगे तो तुम अपने सर्किट को बंद ही कर दोगे, इधर से क्लोज कर दोगे। सिर्फ आईसीओ से सर्किट चलता नहीं है। एक कैपेसिटर हटा लगा दिया, आपका लाइट स्टेबल हो गया। और यही कैपेसिटर हटा दूंगा और ये जलाऊंगा तो आपका लाइट क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। फिर आप ये बदलते रहो, स्विचिंग बदलते रहो, बैटरी बदलते रहो, कुछ होगा क्या? कौन समझा ये बात? पक्का? देखो इधर, तो सिंपल सी बात है, कैपेसिटर टेस्टिंग में जाऊंगा। पर उससे पहले मैं सिंपल बता दूं कि अगर हम, ठीक है दीपक सर, अगर हम कैपेसिटर की बात करेंगे, मुझे बताना ये कैपेसिटर क्या काम कर रहा है। ये 1 2 3 4 5 ये सारे कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर है, ये प्योर वाइट नहीं है, ये इसको ऑफ वाइट कहते हैं। ये तरह से 28 दिसंबर की बैच कौन कौन लाइव है? सब लाइव है। तो ये बताइए आज क्या क्लास थी आपकी? कंपोनेंट। किसकी क्लास थी? रिबोलिंग की और कंपोनेंट की। सवेरे क्लास कितनी बजे लगी आपकी? 8 बजे। कितनी बजे? 8 बजे। आप तैयार कब हुए? 7:30। कितनी बजे? 7:45 को आप क्लास के बाहर थे। 7:45 को आप क्लास के बाहर थे। yes, sir. तो ये बताइए मेरे को कि 8 बजे से कब तक चली क्लास आपकी? 9 बजे तक। कितनी बजे तक? 9 बजे। 9 बजे, 8 बजे से 9 बजे रात के 9 बजे तक। 8 बजे से सवेरे की क्लास कितनी बजे चली? सुबह सुबह 8 से 11 हमारी, तो कब तक चली? अरे 11 बजे चली। थ्योरी की क्लास चली सर? हाँ, उसके बाद थ्योरी की चली हमारी, है ना। तो हमारी जो सवेरे क्लास चली वो कितनी बजे चली? 11 बजे तक। फिर आपको ब्रेक कितनी देर का मिला? 20 मिनट का। नहीं, 1 घंटे का दिया था। नहीं सर, 20 मिनट का ही दिया। 20 मिनट का दिया। और जल्दीबाजी करी ना जी सर, क्यों? क्या हुआ? क्योंकि सर आ चुके थे। यस सर। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। यस सर। फिर उसके बाद सर की क्लास कब तक चली आपकी? 3 बजे। उसके एंड सर की क्लास एंड तक कब तक चली? वही 5:30 पे। मैं ये बोल सकता हूँ कि 11:20 से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है आपकी, तो 5:30 तक चली। यस सर। कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे। 6:30 तो आप देव सर को देख के आए थे। yes, sir. Yes, sir. और क्लास किसके साथ थी? देव सर के साथ। किसके साथ थी? देव सर के साथ। देव सर के साथ क्लास थी आपकी। yes, sir. Yes, sir. ये मेरे को कि कंपोनेंट किस किस का क्लियर है? सबका। सबका yes,
सबका एक एक का क्लियर है ये बताइए मेरे को रीडिंग की बात करूं आइडेंटिटी की बात करूं आइडेंटिटी की बात करूं रीडिंग की बात करूं सबका क्लियर है मतलब देखो पहला दिन है नहीं आ रहा तो मना कर दो लाइव चल रहा है आपको नहीं आ रहा तो मना करो सबका क्लियर है तो कैसी लगी देव सर के साथ क्लास उनके लिए क्या बोल क्या बोलना चाहिए देव सर का की जो आने वाली क्लास है उनको इस और भी ज्यादा ज्यादा एनर्जी के साथ मिले बिल्कुल आपको मिलेगी एनर्जी की दुकान है सर है ना इससे ज्यादा एनर्जी के साथ क्लास मिलेगी आपकी तो फिर सर के साथ 5:30 बजे तक क्लास थी 5:30 बजे के बाद फिर कितनी देर का ब्रेक दिया आपको मैंने 20 मिनट का और 20 मिनट के बाद से क्या हुआ अभी तक कोई ऐसा कि तुमको छोड़ के कोई चला गया नहीं सर किस लेवल का प्रैक्टिकल मिला आपको बहुत हाई लेवल लेवल का मिला कोई ऐसा बंदा जो रजिस्टर कैपेसिटर को नहीं पहचान सकता हो नहीं सर सर्किट के टाइप नहीं पहचानता हो नहीं सर रीडिंग नहीं मालूम नहीं सर थर्मिस्टर कितनी देर में ढूंढ दोगे थर्मिस्टर कितनी देर इधर सर अच्छा मेरे को हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन ढूंढ सकता है सर ये देख सकते हैं आपकी एक दिन में टोटल इनकी 13 घंटे की क्लास हुई है अभी 9 बज रहा है और 8 बजे से इनकी क्लास इकट्ठी हुई चालू हुई थी और अभी 9 बज रहा है 9 बजे के 13 घंटे की क्लास में अच्छा ये बताइए सवेरे की क्लास का पूछना तो भूल ही गया आपसे मेरा जी सर तो रिबॉलिंग किसने किसने करा सबने किया किसने किसने किया रिबॉलिंग सबने किया किसने कितनी बार किया कितनी बार किया चार बार आपने तो ये इसके पहले आप कर पाते थे क्या नहीं फर्स्ट टाइम किया आपने ट्रिक कैसा लगा आपको एक्सलेंट तो सर आप कल भी यही काम करेंगे कल करेंगे आप डबल डेकर सीपीयू और कौन सी स्टेंसिल से यूनिवर्सल स्टेंसिल से डबल डेकर सीपीयू करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा नाम बताइए अपना मुकेश कुमार मांझी कोलकाता मुकेश कुमार मांझी कोलकाता से तो मुकेश कोलकाता से जबलपुर कैसी लगी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी तो क्या जो सोच के आए थे वो मिला आपको जरूर मिला सर और आपकी जो दोपहर की क्लास थी वो थी देव सर के साथ क्या लेवल का नॉलेज था आपका बहुत ही बड़े लेवल की क्लास थी जो हम नहीं जाने तो वो भी जानकारी हमें दिया गया अच्छा और ये क्लास देखो दो आपको दो कंपोनेंट बताए चाहते थे 1 घंटे में या 1.5 घंटे में क्लास खत्म हो सकती थी जी, तो बाकी किस लेवल तक ले गए क्या आपको ये आज मालूम पड़ा कि एक रजिस्टर से भी मोबाइल डेट होता है आज ही मालूम चला आज ही मालूम चला एक रजिस्टर से भी मोबाइल डेट होता है वो भले 0 ओम का रजिस्टर हो ये नॉलेज मालूम पड़ा आज ही और सर ने पढ़ाया किस लेवल से मतलब एक बात को कितनी बार बताया बहुत बार मैंने टाइम जब तक हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ बहुत ही ज्यादा बार मतलब 4-5 बार बताया अच्छा उसके बाद 5:30 बजे से सर ने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास में दिया आपने जब से दिया उसको उसके बाद से अभी 9:15 बज रही है तो 9:15 बजे तक 9:15 बजे तक अच्छा ये बताओ मेरे को कि 1 मिनट के लिए भी आप रुके हो क्या रुके हो क्या अभी आपके फेस पे ऐसी कोई थकान लग रही है एनर्जी फुल है इसलिए एनर्जी फुल है सर क्योंकि आपके साथ जो टीम है टीम कौन सी है टेलीकॉम है और एनर्जी है एनर्जी वाली टीम है लीडर है उनके पास एनर्जी है चलिए सेकंड स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा मैं नाम बताइए अपना मेरा नाम दीपक कुमार है दीपक कुमार कहाँ से हो मैं सर मुजफ्फरनगर से हूँ मुजफ्फरनगर से दीपक ये बताओ मेरे को किस लेवल की क्लास मिली आपको सर जो यहाँ आने के बाद हमने मतलब जो क्लास अटेंड करी है जो भी देव सर ने हमें पढ़ाया मतलब इतना डीप था कि आज तक हमने सोचा नहीं कि किसी भी कंपोनेंट्स के बारे में इतनी डिटेल्स मतलब हमें इतनी डीपली तरीके से पता लग पाएगी कोई यूट्यूब वाला नॉलेज मिला सर बिल्कुल नहीं यूट्यूब में सर ने डाल दिया वाला नॉलेज दिया नो नो मतलब सर इस तरीके से मतलब समझाया कि एक बिल्कुल जो अननोन पर्सन है कुछ भी नहीं जानता टेक्निकल लाइन के बारे में वो भी उसको भी सब पता लग जाएगा सर यस सर और यहाँ की जो टीम है बिल्कुल मतलब बेस्ट है सब टीचर जितने भी हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर मेरे साथ एक और स्टूडेंट है नाम बताइए अपना मोहम्मद नौशाद यूपी मुजफ्फरनगर से नौशाद मुजफ्फरनगर यूपी से आया हो तो मेरे भाई आज क्लास थी आपकी रिबॉलिंग की और कंपोनेंट की जी सर रिबॉलिंग कितनी बार की आपने 5 बार सर 5 बार की जी तो कोई फर्स्ट टाइम में करी है सर फर्स्ट टाइम में कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा उसके बाद फिर आपकी इम्पोर्टेंट क्लास थी कंपोनेंट की अगर आपका कंपोनेंट कंप्लीट नहीं होगा सर तो आप इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाएंगे राइट सर
राइट सर। तो ये बताइए मेरे को, देव सर ने किस प्रकार से नॉलेज दिया? बहुत अच्छे से नॉलेज दिया है सर, जो समझ में नहीं आता मतलब वो भी समझे हम। अच्छा, और फिर प्रैक्टिकल क्लास में? प्रैक्टिकल क्लास में भी जो डाउट थे वो सब क्लियर हो गए। डाउट थे सारे क्लियर हो गए, जो डाउट थे वो भी। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, हां प्रेम शर्मा फरीदाबाद से। प्रेम ये बताइए मेरे को, फरीदाबाद से आए हैं, जिंदगी पास पड़ता था, आप जा सकते थे वहाँ पर? नहीं सर, वहाँ पे सर अच्छा नहीं लगा, हमने सर यहाँ के बारे में सुना था, फेसबुक पे भी देखा था, और आज जो देखा है सर उससे अच्छा हमको आज अच्छा लगा है सर। अच्छा, तो जो देव सर के इंस्टीट्यूट में जो डिसिप्लिन है जी, वो कितना जरूरी है? वो सर बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के तो कुछ भी है ही नहीं। सबसे मेन तो क्या नाम सर, डिसिप्लिन है, अगर वो है तो सर सब कुछ है सर, और वो यहाँ पे है सर। तो आज आपकी रिवॉल्विंग की और कंपोनेंट की क्लास थी आपकी, तो मैं कंपोनेंट के बारे में पूछूंगा, देव सर के साथ आपकी क्लास कैसी थी? जी सर बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी सर, उन्होंने हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक चीज़ हमको सर कई बार समझाई, जब तक हम सभी को समझ ना आई क्लियर नहीं हो जी सर, जब तक समझ रहा जी सर। और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल में जो सर ने पढ़ाया उसका पूरा प्रैक्टिकल किया? पूरा प्रैक्टिकल करा सर, एक एक चीज का जी सर, एक एक चीज का। अगर मैं बोलूं कि थर्मिस्टर ढूंढ के बताओ तो कितनी देर में ढूंढ? सर 5 मिनट में सर। आपको मालूम है कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से सेक्शन में जी होते हैं? जी सर। उसकी रीडिंग क्या है जी सर, यूनिक तरीका क्या है जी सर, मतलब रीडिंग मिल गई और उसके बाद उसको टेस्ट करना है, बताना नहीं आपको यहाँ पर, बाकी यूनिक तरीका क्या है आप मालूम है आपको? जी सर। सर जो आप काम अभी 5 मिनट में कर रहे हो ना, 15 साल का टेक्नीशियन ये नहीं कर पाएगा जी सर, जो नॉलेज आपको आज मिला जी सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है पीछे आगे, कमल सिंह सर। कमल ये बताओ मेरे को कि एशिया टेलीकॉम जबलपुर, और आप भी दिल्ली के नियरेस्ट ही हो? हाँ सर। है ना, मथुरा से हो? हाँ सर। तो मथुरा से जबलपुर का सफर आज पहला दिन क्लास का, कितने घंटे पढ़ता है? एशिया टेलीकॉम झूठ तो नहीं बोलता कि 12 घंटे पढ़ाता है? नहीं सर, 12 घंटे बाकी में पढ़े नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि मैं 12 घंटे 4 घंटे का ब्रेक दे देता हूँ, 3 घंटे का ब्रेक देता हूँ। तो क्या टेम्परमेंट लगा सवेरे से दोपहर तक और रात तक की बात बताइए आप मेरे को। सर सवेरे 7:45 आए गए थे यहाँ पर, तो 8 बजे से क्लास चालू हो गई थी, आई शुरू करी थी। ठीक है, तो 5 बार आई शुरू कर दी, पहली बार करी थी। अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। तो यहाँ से फ्रेशर से फ्रेशर बच्चा भी आके पहली बार में आईसी पे काम कर सकता है? सर। चलिए, और उसके बाद फिर दोपहर में देव सर के साथ आपकी क्लास थी? हाँ सर। 11:30 बजे से आपकी क्लास थी देव सर के साथ, तो जो चलिए 5:30 बजे तक नॉन स्टॉप? हाँ सर। तो कैसी लगी क्लास? मजा आया, कोई देख के आए थे ना आप? हाँ सर। अच्छा, किस किस का पैसा वसूल हो रहा है? हम सब सबका पैसा वसूल हो रहा है। तो मेरे भाई अभी तो आज पहला दिन है ना, आज पहला दिन है, और फिर देव सर के साथ क्लास के बाद फिर जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास हुई उसमें क्या था आपका प्रैक्टिकल क्लास में? आपने सारी चीज, आपके डाउट्स क्लियर करे आपने? हाँ सर। पूरे बोर्ड पे डाउट्स क्लियर करे? हाँ सर। सारे प्रकार के रजिस्टर, कैपेसिटर की टेस्टिंग, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर की टेस्टिंग? हाँ सर। दो लोग 2 दिन की टाइम लेते हैं मल्टीमीटर को समझाने में? यस सर। आपको कितनी देर का टाइम लगा? 15 से 20 मिनट सर। 20 मिनट? ऐसा कोई बंदा जो मल्टीमीटर चलाना नहीं जानता हो अभी? सब जानते हैं? यस सर। वो भले ही ऑटो मल्टी मतलब वो ऑटो वाला मल्टीमीटर हो या मैनुअल वाला हो, चला सकते हैं आप? यस सर। तो सर ऐसा कैसा संभव है, लोग 2 दिन में समझा रहे हैं, आप 15 मिनट में समझ रहे हो? सर एशिया टेलीकॉम से समझ पाते हैं बस। और आपने अभी प्रैक्टिकल क्लास में एक एक कंपोनेंट उठा के प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? यस सर। यस सर। LVR क्या होता है, HVR क्या होता है, थर्मिस्टर क्या होता है, कोट रजिस्टर क्या होता है, फ्यूज रजिस्टर क्या होता है, क्या काम होता है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये सर ने नॉलेज दिया? यस सर। तो वही नॉलेज को आपने यहाँ पर इनहेंस करा, बढ़ाया नॉलेज को? यस सर। विद प्रैक्टिकल के? यस सर। तो कितनी, खाली एक PCB पे प्रैक्टिकल करा क्या आपने? नहीं नहीं सर, 3 पर सर। 3 पे किया था? अच्छा, कोई कंपोनेंट छोड़ा है क्या, रजिस्टर छोड़ा है? चलिए ठीक है, आगे। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए। मेरा नाम राहुल देवा है सर। राहुल देवा, कहाँ से हो भाई? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लास का, थ्रू आउट सवेरे से लेके तो अभी रात तक? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि क्लास में पहली बार देखा था मैंने, रिवॉल्विंग की है फर्स्ट टाइम ही, और भी ईएमएमसी के लिए मैं आया था, और ईएमएमसी फर्स्ट टाइम मैंने रिवॉल्विंग की है। ठीक है, आज रिवॉल्विंग कराया, कल इसके एक्सपर्ट बनोगे, मास्टर बनोगे। समझ में आ रहा है? हर चीज़ का टाइम आएगा, उसका मास्टर बनोगे, एक चीज़ की गारंटी मिली, मास्टर बन के जाओगे। ईएमएमसी के लिए आया था सर मैं। हाँ, अब मास्टर बन के जाओगे आप। समझ में आ रही है बात तुम्हारी? और अच्छा, दूसरी बात ये कि फिर देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, बहुत मजा आया था सर सीखने में, कि नया नया नॉलेज मिला क्या, कितनी चीज़ें नहीं मिली आपको उसके अंदर? ये यूट्यूब पे नॉलेज है क्या? नहीं सर। अगर आदमी यूट्यूब पे देख के सीख सकता है क्या? नहीं सर। कहाँ आना पड़ेगा उसको? इंस्टीट्यूट पे आना ही पड़ेगा।
ऐसे टेलीकॉम में ऐसे टेलीकॉम हाँ सर। तो सर जितने घंटे की थ्योरी देते हैं उतने घंटे का प्रैक्टिकल होता है यहाँ? यस सर यस सर पूरा क्लियर होता है, पूरा क्लियर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं सारे कंपोनेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें ग्राउंड होता है, क्या वैल्यू होती है, सबका जानकारी मिलती है हमें। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है तो आगे ही सुशांत पटनायक उड़ीसा। सुशांत ये बताओ मेरे को कि एशिया टेलीकॉम में पहला दिन आपका उड़ीसा से आओ, दूर से आए हो, कैसा फील हो रहा है? फुल सेटिस्फाइड। फुल सेटिस्फेक्शन। पहली बार रिबोलिंग किया वो भी 6 बार। पहली बार एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए। तो मेरे भाई किसी भी मामले में बात करें हैंड स्किल की और देव सर के साथ दोपहर में क्लास थी आपकी, देव सर का क्लास वो एक्सलेंट था। क्या नॉलेज है सर के पास? बहुत नॉलेज है सर, बहुत नॉलेज मतलब बहुत नॉलेज, उसका कोई सीमा नहीं है। जितनी जानकारी मैं यूट्यूब में देखा था जी उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ से मैं लेके जाऊँगा। आप लेके जाएंगे, विश्वास है आपको? 100% एशिया टेलीकॉम पे विश्वास है। yes, yes, sir. और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ जो दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा वो मिलेगा एशिया टेलीकॉम में मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा फ्रेशर है, ये बच्चा फ्रेशर है तो इसको नहीं मिलेगा, इसको भी मिलेगा और भी मिलेगा। आज जिस तरह से वो डीपली समझ रहे हैं रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर जो कि सबसे छोटा पार्ट है उसके बारे में जो डीपली समझा है वो क्या कहूँ, मजा आ गया। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, मेहुल कुमार गुजरात से। मेहुल गुजरात से इतनी दूर छोड़ के भाई गुजरात में भी आजू बाजू में कहीं जा सकते थे, आप जबलपुर आए और सडनली हमको यहाँ आने के बाद आपने बताया कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, है ना, आपके सिर में भी चोट लगी है, आपके दोनों पैर में रॉड डली है और 2 महीने में इतनी जल्दी आपने रिकवर करा, तो आज आपका पहला दिन एशिया टेलीकॉम में कैसा रहा? बहुत अच्छा सर। यहाँ का टीचरों का नॉलेज कैसा है और क्या क्या लेवल का है? बहुत बहुत लेवल का है। मेहनत करते हैं? करते हैं सर। 12 घंटे बोलते हैं 12 घंटे पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं 12-13 घंटा पढ़ाते हैं, 12-13 घंटे पढ़ाते हैं। तो देव सर के साथ क्लास थी आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया थी सर। कंपोनेंट की क्लास थी, कंपोनेंट सारा समझ में आया सर। अगर मैं पीसीबी देता हूँ, 3 पीसीबी देता हूँ, किसी पर थर्मिस्टर ढूंढ लो, रजिस्टर वगैरह तो सब ढूंढ लोगे वो तो ठीक है ना, बाकी थर्मिस्टर ढूंढ लो तो आप ढूंढ सकते कि नहीं? ढूंढ सकते सर। ढूंढ सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नितेश कुमार अयोध्या से हूँ मैं। नितेश कुमार अयोध्या से जी। तो नितेश ये बताइए कि कैसा लगा आपको पहला दिन क्लास का आज का? जी बहुत अच्छा लगा मुझे पहला दिन क्लास का। तो थ्रू आउट बात करूँ मैं देव सर के साथ, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा क्लास का? जी बहुत अच्छा रहा। कॉम्पोनेंट का अभी क्या नजरिया तुम्हारा कॉम्पोनेंट देखने का, बदला कि वही है पुराना वाला? बदला जी। कितना चेंज आया? बहुत चेंज आया सर जी, बहुत चेंज आया। वो चेंज आया, मल्टीमीटर ऑपरेट कर सकते हो आप? जी जी मल्टीमीटर ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा ये बताओ मेरे को कि थर्मिस्टर कोई सी भी पीसीबी देते तो थर्मिस्टर ढूंढ सकते हो आप? जी जी ढूंढ सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे आते जाइए। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मेरा नाम सोनन, महाराष्ट्र से। सोनन महाराष्ट्र से, चाहते तो आजू बाजू कहीं भी जा सकते थे, पूना उना में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। नहीं सर हमको इधर का ही अच्छा लगा। तो अच्छा देखो दूर से अच्छा लगना और आके अच्छा लगना, yes, sir. दूर से अच्छा लगना और आके अच्छा लगना दोनों में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। तो फिर थोड़ा फर्क को एक्सप्लेन करो। फर्क तो ऐसा था कि जो हम वीडियो देखते थे वो तो ट्रेलर था, अभी इधर आके पता चला कि ये तो पूरी पिक्चर इधर बाकी है अभी तो उसमें कुछ नहीं है जो देखते थे। तो अगर कोई यूट्यूब देख के अगर रिपेयरिंग सीख रहा है तो उसको रिपेयरिंग यूट्यूब से सीख लेना चाहिए कि इधर आना पड़ेगा? ना किसी बुक में है सर, ना यूट्यूब में है ना किसी बुक में है, बुक में उसके लिए आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो आज आपकी जिनको देख के आए आप, मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर, एशिया टेलीकॉम के आनर देवरतन अग्रवाल सर, उनको देख के आप यहाँ पर आए, तो जो वीडियो पे दिखता है वो क्या रियली में फैक्ट में सामने भी हुई है कि उससे ज्यादा है? वीडियो में दिखता है वो कुछ भी नहीं है, वीडियो में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा। 2 मिनट का वीडियो रहता है सर, सर ने तो आज 6 घंटा कंटिन्यू पढ़ाए। क्या लेवल था एनर्जी का? बहुत जबरदस्त, मेरा 3 बार गला सूख गया था सर पानी पिया बैठे बैठे गला सूख गया। नहीं नहीं पीछे एक बार बोले तो उनके साथ में ही रिविजन करना पड़ता है, तो एक बात 4 बार बुलवाएंगे आपसे। हाँ 4 बार बुलवाएंगे आपसे, तो वो जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। तभी तो रिविजन करवाने के लिए 4 बार बोलने में तुमने 3 बार पानी पिया, अब वो इंसान एक बार भी नहीं पिया, उन्होंने एक बार भी नहीं पिया। अगर उनके बारे में बोला जाए तो बोलते हैं कोई स्पाइडर मैन है, कोई सुपर मैन है, तो वो एनर्जी मैन है। चलिए ठीक है। तो और अभी शाम की क्लास में आपने पूरा प्रैक्टिकल किया, एक भी कंपोनेंट नहीं छोड़ा, एक भी कंपोनेंट नहीं छोड़ा,
आजू बाजू वाले की पीसीबी पीसीबी उठा के देख ली तुमने? हाँ देख रहा था मैं, तुमने सारी डिटेल्स वगैरह भी नोट की, सारे वीडियोस नोट किए। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, आते जाइए, सबको आना है जी। प्रकाश नेपाल से। प्रकाश नेपाल से मेरे भाई, एशिया टेलीकॉम में पहला दिन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। ये नॉलेज नेपाल में मिल सकता था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 12 घंटे बोलते तो 12 घंटे पढ़ाते हैं जी सर, एकदम। आईसी रिवॉल्व किया आपने? आज किया सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, कंपोनेंट की बात करूँ तो मैं, कंपोनेंट्स भी रीडिंग वगैरह ये वो थर्मिस्टर ढूंढना, ढूंढ सकते हैं, ढूंढ सकते तुरंत ढूंढ सकते। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट आइए, आगे आते हैं। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए। अनुज कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ सर। अनुज उत्तर प्रदेश से। अनुज ये बताइए, एशिया टेलीकॉम में आज का पहला दिन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। और सवेरे से लेकर शाम तक आज आईसी को कितनी बार रिवॉल्व किया आपने? मैंने 7 बार रिवॉल्व किया सर। 7 बार रिवॉल्व किया, क्या मतलब, क्या चेंजेस है, ट्रिक्स कैसे हैं यहाँ के? ट्रिक्स इतने अच्छे हैं कि एक ही बार में समझ में आ जाता है यहाँ पर, जरूरत नहीं पड़ती दोबारा की। माना कि मैंने फर्स्ट टाइम अभी तक कभी रिवॉल्व नहीं किया था, कोई भी आईसी को रिवॉल्व नहीं किया था। अच्छा, आज मैंने ईएमसी को 7 बार रिवॉल्व किया है। 7 बार रिवॉल्व किया, तो यहाँ का जो तरीका है डिवाइड करने का, जो तरीका है वो एक्सीलेंट है? वो एक्सीलेंट है सर, उसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे अलग ही लेवल से पढ़ाई होती है, यानी कि यहाँ कहीं मिल ही नहीं सकता है ऐसा कुछ। अच्छा, दूसरी बात, आपके साथ जिनको देख के आए हैं, मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर जो एशिया टेलीकॉम के ऑनर है, मैंने अभी तक यूट्यूब में देखा था, आज सामने देखा है, बहुत एनर्जी है सर में। सर में बहुत एनर्जी है, तो एनर्जी तो है सर, बाकी बात में आपको पढ़ने में जो नॉलेज दिया है आपने, क्या लेवल का नॉलेज दिया? मैंने अभी तक यानी कि कंपोनेंट के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, आज जो मिला है मैं कोई भी पीवीसी से कंपोनेंट देख के बता सकता हूँ, टेस्टिंग करके बता सकता हूँ, टेस्टिंग करके भी बता सकता हूँ। एक्सेलेंट। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, अजीम है, तेलंगाना से आया हूँ। हाँ जी अजीम, बताइए मेरे को, आज आपका पहला दिन तेलंगाना, चाहते तो हैदराबाद जा सकते थे, हैदराबाद से ही हो आप? हैदराबाद से ही हो आप? तो आप चाहते तो हैदराबाद जा सकते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े नाम है, यहाँ पे जो सिस्टम है यहाँ का, वो सिस्टमेटिक कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। अच्छा, तो जो 18 घंटे का सफ़र करके आए हैं आप हैदराबाद से, तो पैसा वसूल हुआ कि नहीं? एकदम सर, एकदम 100% पैसा वसूल, 100% पैसा वसूल। हाँ सर, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है यहाँ? सब क्लियर है सर, एकदम, हर एक एग्जांपल के साथ हर एक बता जाता है, एग्जांपल के साथ। तो ये बताइए, आपकी देव सर के साथ क्लास थी आपकी? हाँ सर। तो कैसी लगी आपको? सर एकदम फर्स्ट क्लास। क्या लेवल है सर का पढ़ाने का, नॉलेज का देने का तरीका क्या है, कितना नॉलेज है उनमें, क्या खाली यूट्यूब में बताते हैं कि मतलब रियलिटी में भी है? यूट्यूब पे रहता है वो तो सिर्फ 2% का है सर, जो नॉलेज वो यूट्यूब पे देते हैं जी, उससे कहीं ज्यादा तो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर मिलता है। हाँ, जो वहाँ पे मिलता है वो उससे कहीं ज्यादा यहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। बराबर है। तो क्लासेस 2-3 घंटे की होती है देव सर की ज्यादा की होती है? नहीं सर, 6 घंटा तो कम से कम चली थी सर, 6 घंटे तो 6 घंटा है ना, है ना, और हो सकता है आने वाले टाइम में 7 घंटे भी चले, रात चल सकती है ना सर, वो टाइम तो देखते नहीं है, वो पढ़ाते तो प्रैक्टिकल के लिए पूरा टाइम मिलता है। हाँ सर, बिल्कुल, एक एक चीज क्लियर होती है, हर एक चीज क्लियर होती है। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट का, अभी मैं खाली बात आपकी नहीं कर रहा हूँ, ये जितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर है, इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि जिसको आज कंपोनेंट क्लियर नहीं है, जिसकी रिवॉल्विंग क्लियर नहीं है? सर, हर किसी का डाउट क्लियर हुआ है, हर कोई, किसी ने अपने हाथ से टेस्टिंग किया है, हर चीज टेस्टिंग किया है, रिवॉल्विंग किया है, सब कुछ, हर चीज खुद से किया है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, गौरव राजस्थान से। गौरव राजस्थान से, भाई इतनी दूर से जबलपुर आए हो, तो गौरव उम्र क्या है तुम्हारी सबसे बता दो? 17 ईयर भैया, एक ये पार्ले जी है, इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दो यार। ये पार्ले जी हैं, और अभी इनका वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना है। अब बताओ मेरे को कि अगर इस एज में ये बंदा यहाँ से प्रो लेवल से बन के निकलेगा, 30 दिन में निखर के निकलेगा, तो अब जब उसकी आगे की जिंदगी होगी वो कैसी जाएगी? बहुत अच्छी है, बताइए किस लेवल पे जाओगे आप? बहुत सर, बहुत आगे जाएंगे। स्कोप कितना होगा आपको करने के लिए? और एशिया टेलीकॉम कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, 30 दिन की बात नहीं है, जिंदगी भर जब तक एशिया टेलीकॉम रहेगा तुम एशिया टेलीकॉम के साथ रहोगे, बस खाली तुम्हारा बिहेवियर डिपेंड करता है कि तुमको बैकअप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपका बिहेवियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये बताइए मेरे को कि आज की क्लास आपको, आज आपने रिवॉल्विंग कितनी बार किया, क्या पहले कभी जीवन में रिवॉल्विंग किया था आपने? नहीं सर, पहली बार किया था, 5 बार रिवॉल्व किया था। 5 बार रिवॉल्व किया। और कंपोनेंट की क्लास देव सर के साथ थी, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, क्या लेवल है, क्या नॉलेज से बताया आपको? लेवल तो सर कुछ बोल ही नहीं सकता मैं तो। अच्छा,
और उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिकल क्लास में आया तो आपने प्रैक्टिकल किया? प्रैक्टिकल भी किया सर। अच्छा, प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत परेशानी है आपको? एक एक कंपोनेंट का नॉलेज सब विद प्रैक्टिकल? विद प्रैक्टिकल, विद प्रैक्टिकल। मैं तुमसे बोलूंगा कि 25 रजिस्टर निकाल दो, इसके अंदर हाई वैल्यू के तो आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। थर्मिस्टर ढूंढ के निकाल दो तो निकाल सकते हो। कोड रजिस्टर क्या होता है, क्या काम होता है, ये मालूम है आपको? यस सर। जीरो ओम्स का रजिस्टर क्या होता है, ये मालूम है आपको? यस सर। फ्यूज रजिस्टर क्या होता है, ये मालूम है आपको? मालूम है। और थर्मिस्टर का क्या काम होता है, ये मालूम है? थर्मिस्टर कौन कौन से सेक्शंस में मिलेंगे, किन किन सेक्शंस में मिलेंगे पता है सर? पता है कंपोनेंट का, क्लास का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन आइए। नेक्स्ट आइए, तो एक अनाथर स्टूडेंट है हमारे साथ। अंकुर सिंह, यूपी गाजियाबाद से। अंकुर यूपी गाजियाबाद से, तुम्हारे भाई पढ़ के गए थे, तुम भी यहाँ आए? जी सर। ऐसा क्यों? सर उनकी नॉलेज, उनका काम देखते हुए मैं भी इंस्पायर हुआ उनसे। अच्छा, वो तो 2 साल पहले पढ़ के गए यहाँ पर। हाँ, तो अभी मेरी स्टडी कम्प्लीट हुई है। अच्छा, तो मैंने सोचा बाकी की पढ़ाई होल्ड करके मैं पहले ही। अच्छा, मैं मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया फिर उनको। आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर? जी। तो जिसमें इंटरेस्ट होता है आदमी ने उसी में जाना चाहिए। तो आप इसमें अपना अपना अपने भाई का नाम बनाना चाहते हो इस फील्ड में? जी सर, जी। मेहनत बहुत करना पड़ेगी, 15 घंटे मेहनत करने को तैयार हो? जी सर। तैयार हो? बिल्कुल। तो बस, तो ऐसे टेलीकॉम तुम्हारे साथ है। तो ये बताइए, आप देव सर की क्लास आपको कैसी लगी, कॉम्पोनेंट की? कॉम्पोनेंट किस लेवल से समझ में आया? बहुत देखो इंपॉर्टेंट सेक्शन था आज आपका कॉम्पोनेंट का। कॉम्पोनेंट अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको मोबाइल समझ में नहीं आएगा। सर आज की क्लास लेने के बाद ना पीसीबी को देखने का नज़रिया बदल गया। अच्छा, मतलब कि आज से पहले कभी पीसीबी मैंने बोर्ड हाथ में ही नहीं लिया, ना कभी टेस्टिंग की, ना कभी यही ना पता कि रजिस्टर देखने में कैसा होता है, कैपेस्टर देखने में कैसा होता है। अच्छा, वो आज सब मालूम होगी। अच्छा, अभी पीसीबी देखने का नज़रिया तो आपका 30 तारीख को बदलेगा। हाँ, वो तो परसों की क्लास में। जी सर, परसों की क्लास में। सर एक सीपीयू देख के आप सारी आईसी बता दोगे? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। कि 70 जो आईसी दूसरी लगी है वो कौन, 70% से 80% आईसी आप मुंह से बता दोगे कि सर इसमें ये आईसी लगी होगी? समझ में आ रहा है? जी सर। अभी पीसीबी को तो अभी थोड़ा सा स्टॉप करो, यही कॉम्पोनेंट तक रखो। आप सोच ही नहीं सकते आपको किस लेवल का नॉलेज मिलेगा। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ सामने आ जाइए। और कौन बचा इधर सामने? मोहम्मद फरमान, मुजफ्फरनगर से। फरमान, ये बताओ मेरे भाई जी, क्या सोच के आए थे, क्या मिला और क्या लेवल है? सर काम तो पहले भी करते हैं दुकान पे, 4-5 साल से शॉप की हुई है। तो क्या नॉलेज था उसको, उस नॉलेज को क्या बोल सकते हैं अपन? कुछ भी नहीं है सर। है? कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, तो यहाँ बहुत कुछ है, उसी के लिए आए हुए हैं। नहीं तो क्या नॉलेज था, क्या उसको 10 नंबर दो कि 0 नंबर दो? वो तो सर बस 0 के बराबर ही है। 0 के बराबर ही है सर आपको रियल नॉलेज? जी। यहाँ पर मिला जी। आज कंपोनेंट कभी इस तरीके से चेक किया था? नहीं सर, जितनी डीपली से यहाँ पे चेक किया इतना आज तक कभी नहीं किया। तो सर ने किस लेवल से पढ़ाया आपको? बहुत गहराई से, हर कर सभी कंपोनेंट की जानकारी बहुत गहराई से दी सर, गहराई से अच्छे से समझाया क्या क्या काम। क्या लेवल होता है सर का पढ़ाने का? बहुत बढ़िया लेवल है सर, हाई लेवल है, नॉलेज अच्छे समझाते हैं, बहुत बढ़िया नॉलेज है। तो YouTube वाला नॉलेज तो नहीं मिल रहा ना यहाँ पर? जी YouTube वाला नॉलेज तो नहीं मिल रहा? नहीं नहीं सर, YouTube पर तो 10% भी नहीं होता है, यहाँ 100% मिल रहा है, और क्या चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिकल में पूरा टाइम मिलता है आपको? जी सर। एक एक चीज को ट्रेस करना, समझना? जी बहुत अच्छे से। और कोई डाउट्स रहते हैं क्या दिमाग में? नो सर, नो। अच्छा, कोई अगर कोई स्टूडेंट अगर पूछता है? जी। तुम्हारी बात नहीं कर रहा, पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट पूछता है तो किसी का डाउट बाकी रहता है क्या? नहीं, नो सर, सबका डाउट क्लियर होता है, क्योंकि डाउट की क्लास है। जी, क्लास तभी आगे बढ़ाई जाती है जब सबके डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो ये सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल ओके सर। तरीका सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है तरीका। जी भाई, पढ़ने आए हो, जब तक स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं जब तक, इसी के लिए डाउट क्लियर करने के लिए आए हुए सर, सबके सब, सब टेक्नीशियन ही है, सब डाउट अपने क्लियर करने के लिए आए हुए। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है? वो सब क्लियर होने के बाद तभी क्लास आगे बढ़ाई जाती है। तो इतनी देर की 13 घंटे की क्लास लेने के बाद आपके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन और हंसी दिख रही है आप? जी। चलिए ठीक है, चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, राधे श्याम कुमार बिहार। राधे श्याम बिहार से। राधे श्याम, पहला दिन क्या कैसा लगा आपको क्लास में? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। पहला दिन आईसी रिबॉलिंग किया 3 बार। 3 बार आपने आईसी रिवॉल्व करा? इसके पहले राजेश आईसी कभी रिवॉल्व किया? नहीं है? नहीं। अच्छा, और ये बताइए मेरे को कि आज आपकी देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी, तो कैसी लगी आपको क्लास? बहुत अच्छी लगी, डीप लेवल तक समझाते हैं। समझ में आया? और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल भी करा? यस सर। चलिए ठीक है, तो कैसा लगा एसी अडली का आपको पहला दिन? बेस्ट लगा। बेस्ट लगा। फीस वसूल है? पैसा वसूल है? यस सर। चलिए ठीक है, और कौन बचा है भाई, इधर सामने आ जाओ। कौन बचा है? सामने आते जाइए जी, नाम बताइए। मेरा नाम है आयन, मैं वेस्ट बंगाल से आया। आ जाओ आ जाओ सामने आ जाओ जी। वेस्ट बंगाल से आयन आया हुआ आप वहाँ पे? जी सर। तो आयन, ये बताइए मेरे को कि नॉलेज कैसा मिल रहा है? बहुत ही अच्छा सर, जो सोच के आए थे उससे ज़्यादा मिल रहा है। उससे ज़्यादा मिल रहा है,
तो ये सब आपने सोच रखा था। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जिस लेवल का आपको नॉलेज मिल रहा है, इस लेवल का नॉलेज का आप सोच के आए थे कि मेरे को मिलेगा इतना? सोच के आए कुछ ज्यादा मिल रहा है इस लेवल का, कि मतलब इतनी चीजें आप इकट्ठी करके आए थे कि इतनी चीजें मिलेंगी मेरे को इस लेवल का, सोच के आए थे आप क्या? नहीं सर, इतना सोच के नहीं आए थे जितना मिल रहा है अभी। चलिए ठीक है, तो ये बताइए आपने कभी जीवन में ऐसी रिवॉल्व करी थी? नहीं सर। आज कितनी बार करी? 6 से 7 बार। क्यों करी ऐसी? ऐसा क्या दे दिया आपको? ऐसा टेक्निक दिया है कि आसान लगा तो कर लिया। अच्छा, और कंपोनेंट? कंपोनेंट के साथ बहुत ही अच्छा सा नॉलेज मिला, जो हम मालूम ही नहीं था वो आज बहुत अच्छे से समझ में आया। और ट्रेसिंग भी किया हमने। ट्रेसिंग भी किया, प्रैक्टिकल करा आपने? हाँ प्रैक्टिकल। मैं बोलूँ कि थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो तो? हाँ सर, 5 मिनट के अंदर ढूंढ के दिया। कोई सा भी पीसीबी हो? कोई भी। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, सुभाष कुमार सर, उत्तर प्रदेश से। सुभाष, ये बताइए मेरे को कि इस फील्ड में क्या हो तुम? फ्रेशर? हाँ फ्रेशर हूँ सर। फ्रेशर हो जी? तो एज ए फ्रेशर आज आपने आईसी रिबॉल किया आपने? हाँ किया सर। फिर कंपोनेंट की क्लास देव सर के साथ थी, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा सर। कोई डाउट किसी प्रकार का? नहीं सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। थर्मिस्टर को कितनी देर में ढूंढ सकते हो? 5 मिनट में सर। 5 मिनट में? पक्का? पक्का सर। एक एक कंपोनेंट का नॉलेज? हाँ सर। कैपेसिटर चेक करना? हाँ सर। मल्टीमीटर चलाना? हाँ सर। सब कुछ? हाँ सर। चलिए ठीक, तो सामने आइए। तो नाम बता दीजिए अपना। रमेश कुमार, उत्तर प्रदेश से। रमेश, उत्तर प्रदेश से, जबलपुर। जी सर। पहला दिन जी कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा सर। ये उम्मीद करी थी कि आपको ये नॉलेज मिलेगा? नहीं सर, ऐसा उम्मीद नहीं थी। कितनी बार आईसी रिबॉल करी आपने? 6 से 7 बार सर। 6 से 7 बार। देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी आपने? जी सर। किस लेवल का नॉलेज था? 1 नंबर का। अली सर क्या थ्योरी पढ़ाते हैं क्या वहाँ पर? खाली थ्योरी होता है कि प्रैक्टिकल भी होता है? प्रैक्टिकल दोनों होता है सर। दोनों होता है? यस सर। उस क्लास को थ्योरी बोल सकते हैं क्या हम? नहीं सर, वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। प्रैक्टिकल दोनों है सर। प्रैक्टिकल एक अलग से है आपका। जी सर। तब दिमाग में घुसता है जी सर, तब स्टूडेंट के चेहरे पे स्माइल आती है जी सर। किसी की ताकत है क्या इतने स्टूडेंट को खड़े करके पहले दिन में इतना रिव्यू लेने का? नो सर। है किसी की सर? एशिया टेलीकॉम में ताकत है क्योंकि देता है एशिया टेलीकॉम, इसलिए रिव्यू लेता है जी सर। है ना, ये एंड वाले दिन भी इतने स्टूडेंट का खड़े करके लाइव मोबाइल से चलते हुए रिव्यू नहीं ले सकते, बाकी एशिया टेलीकॉम लेता है जी सर। तो उनको जरा बोलो कि ना अपने में जान लाओ अपनी पढ़ाई में जी, ताकि स्टूडेंट का रिव्यू ले सके जी सर। जी सर। और खुले दिल से पूछ सके कि किसी को कोई डाउट क्या? नहीं सर, कोई है ना, किसी को पूछ सके, वो टीचर पूछ सके कि भाई तेरे को डाउट है क्या जी, है ना जी सर। तो इस लेवल की मेहनत करने के बाद ही इंसान पूछ सकता है जी। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, अर्जुन सर, गुजरात से। अर्जुन गुजरात से, चाहते तो गुजरात में भी कोई इंस्टीट्यूट में जा सकते थे, जबलपुर आए, तो जबलपुर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। आईसी रिबॉल करते थे? हाँ, नहीं सर, पहले नहीं करता था, आज किया मैंने। कितनी बार करा? 5 बार किया सर। 5 बार करा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। उसके बाद दोपहर में देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी, तो जो कंपोनेंट का नॉलेज आपको आज मिला जिसके पहले नॉलेज था क्या? नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर, पहले छोटा मोटा काम करते थे, चार्जिंग सॉकेट। जबलपुर कैसी रही जर्नी आपकी? बहुत दूर ट्रेन बदल के आए होंगे जी सर, तो इतनी दूर से आया तो उसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा सर। किस लेवल का मिल रहा है आज? आज सर आपने ऐसी कितनी बार रिवॉल्व किया? 7 बार सर। 7 बार रिवॉल्व किया। और कंपोनेंट की देव सर के साथ क्लास थी, कैसी थी आपकी? वो फर्स्ट क्लास थी, वो मेरा नॉलेज में था ही नहीं एक्चुअल में। मैं आज 4-5 साल से ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा था कि जहाँ मैं कोर्स सीख सकूँ बढ़िया, तो वो तलाश खत्म हुई? तलाश खत्म हो गई सर जी। तो सही जगह आया आप जी? जी सर। सही जगह पैसा डाला? हाँ जी। सही टीचरों के हाथ में आया आप जी? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।